देहाती सजानी देहाती सजानी तोर नाम लिखा अपन जवानी धनी तोर नाम लिख भयापन जिन गानी स्कूल के डेम पे आना गोरी डेम पे तेरे लिए दिल है दीवाना गोरिया तुम चली आना कभी ना इनकार करना प्यार भरा दिल न तोड़ना गोरिया जब चल रहे सच के की छोड़न की छोड़न की छोड़न सिटी मारे दुर्री उड़ाए के 20-25 साल से आप कोटा इंडस्ट्री से हैं 1980 से 1980 में यानी 26 साल से हाँ एक समय रहा ले जब जब रास्ता पे हमने चल कैसेट निकला बाद है रास्ता पे चलो लिए तो लोग के कहाल दिन खोटा नहीं बोलिए ना तो लोग देहाती कह तो और आज के दौर पे वीडियो रहे चाहे सीओ रहे चाहे थाना परवारी रहे अपनी अंदर से मन में सोच रहे खोटा बोल अगर लोकल यहाँ के कहला को तब अभी तक तो, फिल्म सिटी ना हो टीवी के ना हो खोटा के तो ना है तो इस सब में आपसी जब तक एक झूठता ना है तो खोटा के जितना भी कलाकार लेजेंड है आप सवाल तो आपसे उठती है ना कोई पूछेगा खोटा का पूर्वधा कौन तो है तो मनोज जाती हैं तो सवाल तो उन्हीं से उठाया जाएगा कि आप ही कितने सब साथी लोग हैं या फिर भाई लोग हैं या आपके बच्चे लोग हैं जो खोटा इंडस्ट्री में हैं कि सभी ने इतनी खोटा के बारे में सोचा समझा कि अगर यदि पंजाबी के पंजाबी भाषा सुने कहे तो पंजाबी चैनल देखा होते बिहारी भाई सबके अगर यदि बिहारी भोजपुरी चैनल भोजपुरी भाषा के बारे में कुछ सुने के देखे के भोजपुरी तो चैनल खोलो हतीन लेकिन खोरठा कोनो ने में धिक्कारो नहीं आवे हमें की करबे हमर तो पहुंच नेता कर कुर्सी तक नही जे हमें चाहबे ऐसा तो कर देबे ऐसा कर देबे जगह कर देमारी में अलमारी तो में भर के पैसा रखे हतीन हमें की करे पर नमस्कार जोहार मैं देव महतो और झारखंड के रिगार्डिंग लगातार वीडियो बनाता हूँ जब झारखंड की बात आती है तो झारखंड की बहुत सारे लैंग्वेज है क्षेत्रीय लैंग्वेज जनजातीय लैंग्वेज और यहाँ पे तमाम झारखंडी कलाकार हैं। आज की इस वीडियो में मैं झारखंडी कलाकार एक लेजेंड कलाकार से रूबरू करवाऊंगा इनका नाम है मनोज दयाती। नाम तो आप जानते होंगे और चेहरा से भी पहचानते होंगे आज इनसे रूबरू करते हैं खोटा इंडस्ट्री के एक पुरोधा है जो टी सीरीज में गाना देते थे मुंबई के बड़े बड़े चैनलों में इनकी गाने बजती थी बड़े बड़े कलाकार और मैं बता दूं कि तब के लेजेंड कलाकार हैं अभी तो यूट फेसबुक में गांव गांव से लेकर हर जिले से रांची राजधानी में बिकती थी आज इनसे रूबरू करवाएंगे इनके जीवन के बारे में जानेंगे कब से सिंगिंग शुरू किए कहाँ गए इनका जीवन में कितना उतार चढ़ाव हुआ और खोटा इंडस्ट्री पहले की क्या थी और अभी क्या है सबसे पहले जोहार जोहार आप दर्शकों को अपना परिचय दे दें इसे आप परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन जो नए लोग हैं जो आपको नहीं जान रहे हैं उन लोगों को परिचय दे दें परिचय में क्या दू बचपन से सर्टिफिकेट में तो मेरा नाम मनोज कुमार था लेकिन लोगों ने देहाती का टाइटल दिया हमने भी उसे रख लिया एखन लोग हमारा मनोज देहाती के नाम से जाना थी आप खोटा के लेजेंड कलाकार हैं, सिंगर हाँ लोग तो कहा थी लोग तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जी हाँ मैं ऐसे गाने को से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा जो आपके पिताजी आपके दादाजी या आप भी सुने होंगे उन गानों से रूबरू करवाऊंगे जिसमें आप झूम उठते हैं आप एक बार कहते हैं डीजे वाले बाबू एक बार ये झारखंडी गाना स्कूल के टेम पे वाला लगा दो और तमाम गाने इनके मुंह पे सुनेंगे और यही वो सिंगर है जो है और आप लोग उस डीजे में सुनते हैं और नाचते हैं और हैं और झूमते हैं लगता है कि हाँ हमारा झारखंड के गाना लाए तो आज इनसे रूबरू यार कि इस वीडियो में खोटा से ही इंटरव्यू चलते क्योंकि खोटा के ही कलाकार है तो कौन कौन ऐसा हिट गाना हलो तो टी सीरीज में भेज ली और टी सीरीज में इतना पूरा राज्य भर में ना अलग राज्य में गाना बज यार तोरा लोग चाहे लगल तू हर जगह स्टेज शो तो राज्य में अलग पहचान मनोज कुमार से देहाती बने के ये शुरुआत हेलो पहले तो सबसे पहला कैसे हमारा देहाती सजनी नाम के अगर मुखड़ा टा सुना अच्छा अगर मैं पहला गाना मुखड़ा देहाती सजानी सजनी देहाती सजानी देहातीती सजानी तोरे नामिलिखा अपन जवानी धनी नाम लिखब बया फन जिनगानी देहाती सजानी देहाती सजानी देहाती सजानी देहाती सजनी तोर नाम लिखा बया अपन जवानी धनी तोर नाम लिखा बया अपन जिन ऐसे ऐसा ही करके और भी बहुत सारे सारे हिट गाने आप तो एक ही बताएं और दो चार बता दीजिए जो जनता पूरा सुनते हैं देखते हैं आपके गाने देहाती सजनी का ही या फिर और हाँ जो हिट गाने देहाती सजनियों में भी ज्यादा डिमांड जो जब लोग डिमांड करा तो, तो मनोज दा यह गाना हो बजाओ हमरा सुनाओ हमरा गाओ स्टेज में आपके लिए लोग तांता लगाते थे देहाती सजनी के बात तो ढेर सारा गाना है फिर भी जैसे स्टेज वगैरह में डिमांड कर रहा थी गोरिया जब चल रहे जब चल रहे की छोड़न की कि छोड़न सिट्टी मारे दुर्री उड़ाए के कि छोड़न सिट्टी मारे दुर्री उड़ाए के ये गाना भी तो हिट हुआ था आरो गाना रह लाई सुने गे सुने गे जाने जाना दिल भेले तोरे जे दीवाना सुने गे सुने गे जाने जाना दिल भेले तोरे जे दीवाना दिल तोरे तो दीवाना दिल भेले तोरे दीवाना दिल भेले तोरे दीवाना दिल भेले तोरे दीवाना सुन के जाने जाना दिल भेले तोरे दीवाना सब ये सब गाने तो सुना देने और एक आपका हिट गाना था स्कूल के टाइम पे वाला कब सुनाइएगा उसमें तो हमेशा आपके स्टेजों में लोग और हर शादी ब्याह में एक बार झूम जाते हैं हरी स्कूल के पे आना गोरी डेम तेरे लिए दिल है दीवाना गोरिया तुम चली आना कभी ना इनकार करना प्यार भरा दिल न तोड़ना हरी स्कूल के टेम पे आना गोरी पे कब ये गाना कब गाया था ये गाना लगभग कब लगभग दो हजार चार या पांच का होगा लगभग दो हजार चार पांच में जी हाँ मार्केट में किस तरह का इसमें ट्रेंड आया था लोग मार्केट पे तो बहुत सारे लोग इधर उधर बोलते भी थे एक बार तो रांची में ऐसा ही कुछ पत्रकार भाई लोग बोले कि आपने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया हम बोले हम क्या इसमें बर्बाद कर दिए वो तो कह रहे थे अब बोल रहे हैं स्कूल के टाइम पे गोरी टाइम पे हम हम बोले दादा तो और दिमाग एक दिन फिर गए तो बोले कैसे तो बोले हमने कहा कि स्कूल के टाइम पे ना कि स्कूल किसी बच्चे को बोला हमने बोला स्कूल के स्कूल का टाइम दस बजे होता है हमने दस बजे बुलाया गया डेम पे तो आप और गीत है चलता ही रहता है मनोरंजन करने के लिए। तो बोले नहीं हम लोग तो इस बात को सोचे ही नहीं थे चलिए बहुत बढ़िया है अच्छा मनोज देहाती का अगर जन्म कहाँ हुआ है कहाँ के रहने वाले हैं कब सिंगिंग में आए कब लगा कि खोटा सिंगर बने कहीं से ट्रेनिंग लिए कि अपने से अंदर से वो आपकी वॉइस थी हमर जन्म भेलय ये मुगारो जिला के भटवा नाम के ग्राम लय गांव लय हम भटवा हां चूंकि हमर बाबूजी श्री जानकी प्रसाद महतो अभी तो नय रहल थिन वो बोकारो बीएसएल प्लांट में जॉब कर थी। चौदह जनवरी उन्नीस सौ चौहत्तर के हमारे जन्म होर अनुसार से कुछ के गाँव दादा सब बाबा सब सब हैं पुस्कारा लगे तो हम पुस्कारा लगे पुष्पा से जन्म चौदह तारीख के मकर दिन संगीत में क्या पहले गीत संगीत में वैसे तो वैसे ये नारदीय भजन के बहुत सुंदर गायक और उनके मे हर देख रेख में शिक्षा मैंने उनकर संगे संगे गाँव के भतुआ गाँव के ग्रुप में रास जागरण अक्सर करते हैं तो संगे संगे जाए जागरण वगैरह के गीत गलिए तो कहते हैं नोकल बढ़िया हो बस हो कुछ दिन क्लासिकल भी कर लिए तो वैसे पूरा तो नहीं कर पारलिए तक उन्नीस सौ में देहाती सजनी नाम के कैसे गीत अपने से लिखा ले यार गाँव के बाल बच्चा सबके बुढ़ा पुरखा सबके एक तीन सुन के देखी कैसन बुझाओ ना बढ़िया लागो एक रिकॉर्ड करी रिकॉर्ड कर ली तर तो धीरे धीरे आज तक, यहाँ तक हा कित गाना अभी तक अपने गाया है लगभग होगा ना लगभग लगभग चार पाँच सौ से ऊपर होगा चार पाँच सौ से ऊपर बीस पच्चीस साल से आप खोटा इंडस्ट्री से हैं हाँ उन्नीस से उन्नीस सौ अंठानवे यानी छब्बीस साल से हाँ खोटा इंडस्ट्री पहले के दौर पे और अभी के दौर पे क्या देख रहे हैं अभी तो खैर खोरठा तो बढ़िया खोटा का प्रचार प्रसार भ कम से कम घरे घरें खोटा बोले लागल थी गावे घरें भी मार्केट में भी एक समय रहा है जब जब रास्ता पे हम कैसेट बाद बाधे रास्ता पे चल हलिए तो लोग कह हलन आपस में बतिया हल्तीन जो खोटा नहीं बोलिए ना तो देहाती कहतु और आज के दौर पे वीडियो रहे चाहे सीओ रहे प्रभारी अंदर से मन में सोचो ऐसी हाँ? तो इंडस्ट्री हम बोल रहे हैं कि डेवलप हो रहा है कि पहले देखते थे कि बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम करने आप लोग जाते थे कैसेट भी बिकता था अभी यूट्यूब फेसबुक का जमाना ऑनलाइन वाला जमाना आ गया है तो उस दौर में और इस दौर में बदलाव हुआ है तो क्या देख रहे हैं वृद्धि हो रही है डेवलपमेंट हो रही है खोटा इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है खोटा के तो डेवलप है वो है, लेकिन जिस एंगल से हवे चाहिए जैसे अभी अभी तक तो फिल्म सिटी ना हो टीवी के ना हो खोटा के तो ना है तो इस सब में आपसी जब तक एक जुटता ना है तो खोटा के जितना भी कलाकार लेजेंड है आप सवाल तो आपसे उठती है ना कोई पूछेगा खोटा का पूर्व दाह कौन है तो मनोज जाती हैं तो सवाल तो उन्हीं से उठाया जाएगा कि आप ही कितने सब साथी लोग हैं या फिर भाई लोग हैं या आपके बच्चे लोग हैं जो खोटा इंडस्ट्री में हैं हैं तो सही लेकिन वो उन्हें जब तक मिल के रहना नहीं चाहे कोनो दिन विकास ना है थी और एकर में तो सपोर्ट तो खैर गांव घर के जितना नेता ये तोड़ जाए मंत्री सबसे एक गुजारिश है प्रार्थना है विनती है रिक्वेस्ट है कि सभी ने एक तीन खोरठा के बारे में सोचा समझा कि अगर यदि पंजाबी के पंजाबी भाषा सुने है तो पंजाबी चैनल देख हैं। बिहारी भाई सबके अगर यदि बिहारी भोजपुरी चैनल भोजपुरी भाषा के बारे में कुछ भोजपुरी चैनल खोल लेकिन खोर कुर्सी तो तक नहीं चाहबे ऐसा कर देवे ऐसा कर देवे जग लाइन कर दे अलमारी में, तो में भर के पैसा रखे हथेन हमें की आ, अभी तक आप गाना इंडस्ट्री में है कि नहीं है गाना गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं पहले के तो लेजेंड कलाकार हैं कैसेट के जमाने में थे लेकिन डिजिटल जमाने में आप भी अभी काम कर रहे हैं कि अभी छोड़ दिए क्योंकि उम्र भी आपकी काफी ज्यादा हो गई है हाँ काम तो छिटपुट करवे कर रही है दो हजार ये, ये चौबीस में नूतन साल के उपलक्ष्य में दो चार गाना है ये संजय आवे कर संभावना है ऐसे ही तो दादा खोटा इंडस्ट्री आर बेहतर बने खातिर दूसर राज्य में जन उड़िया भोजपुरी मराठी है ऐसा खोटा इंडस्ट्री आगे बढ़े खातिर किस तरह से रूप में काम है तो खोरठा के डेवलप करे खातिर खोरठा के आगू बढ़वे खातिर के मुकाबले कुछ करे खातिर खोरठा के जितना भी कलाकार छोटो से लेके बड़ो है है तो, मिले है तो सबके खींचा खींची की भावना तक हटवे है तो कोई अगर यदि उठ रहा सपोर्ट करके उठवे तो, एकर में नेता मंत्री जितना सबके सपोर्ट एक चाहिए बिना सपोर्ट में तो कितना भी कुछ हो जाए होबे नहीं करतो और की सबके एकजुट भय के रहे के चाहिए और सब कलाकार सबसे हमारे प्रार्थना भी है विनती भी है कि सभी मिल के रहा तो आपने सुना मनोज दैतिक क्या कुछ कहे खोटा इंडस्ट्री को लेकर और अपने जीवन को लेकर किस तरह से खोटा इंडस्ट्री में आए कौन कौन गाने लोगों ने पसंद किया बाकी अपडेट देता रहूंगा दादा भी हमें समय दिए इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और इस तरह की और भी नई वीडियो दे, देता रहूंगा जय झारखंड जोहार झारखंड जोहार दादा जो